पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आरोप लगाया कि प्याज वालों और यूरिया वालों से सरकार के नुमाइंदों का गठजोड़ है। मिश्रा ने कहा, रोड पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने प्याज और यूरिया की कालाबाजारी को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के नुमाइंदों का प्याज वाले और यूरिया वालों से गठजोड़ है, इसीलिए लगातार इनकी कालाबाजारी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार गड्ढों को भर नहीं पा रही, रोडों में गड्ढे हैं या गड्ढों में है सरकार कुछ समझ नहीं आता। ये लोग हमारी सरकार के किए गए कार्यों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, सरकार पुताई तक नहीं करवा पा रही है इन बिल्डिंगों की जो हमारी सरकार के समय बनाई गई। बढ़ाते नहीं तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ संभाल लेते तो अच्छा लगता, ये तो घटाते चले जा रहे हैं। सड़क नई नई बनाते कोई बात नहीं थी, पर जो थी उनके तो गड्ढे नहीं होने देते, पर गड्ढे ही नहीं भर पा रही है ये सरकार। हमने जो बिल्डिंगें बना दी है उनकी पुताई नहीं कर पाई ये सरकार, हर मोर्चे पे असफल है। किसान को कर्जा माफ का कहा 2 लाख का, 10 दिन में आज तक नहीं। नौजवान को 4,000 रुपए देने का कहा, आज तक नहीं दिया, एक को भी नहीं दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।